पीछे देखो यार आप, अमेजिंग भाई। ये है यहाँ का बस स्टेशन दीदू भाई। हॉस्टल से बाहर निकलते ही भाई देखो सामने पहाड़ भी दिख रहा है। नमस्ते, माय नेम इज बेथरॉन। बेथरॉन, आई लव इंडिया, आई हैव बीन सो मेनी टाइम्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल डेस्टिनेशन हैकर्स। और ये वेलकम मैं आपको कर रहा हूँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप से, यानी कि ट्बिलिसी जॉर्जिया से भाई। तो अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 9:15। आज उठ गया था 8 बजे, रात को 12 बजे पहुंचा और थोड़ा कुछ खाने की तलाश में हूँ। 11-12 बजे जो है चेकआउट कर लूँगा, और जैसे ही चेकआउट करूँगा अपने हॉस्टल से फिर मैं जो है काजबे की माउंटेन जाना है मुझे। Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see making new memories with me. अभी जो है ना मैं भाई किचन में बैठा हूँ, बाहर से आया खाना लेके। तो अभी एक भाई साहब से मिला मैं। भाई साहब क्या बोलूँ यार, ये बहुत एज है इनकी, और इनकी एज ही इज 60 एंड ही इज अ ट्रैवलर, ही इज अ फोटोग्राफर, ही इज़ ए इंजीनियर। हाँ, बहुत मतलब एक्सपीरियंस बंदे हैं, और एक साल से वो इस हॉस्टल में रुके हैं जॉर्जिया में, और इंडिया इतना घुमा के पूछो मत। बिहार, पटना, ऋषिकेश, शिमला, सब पता है इनको, सारा पता है भाई। नमस्ते, माय नेम इज बेथरॉन। बेथरॉन, आई लव इंडिया, आई हैव बीन सो मेनी टाइम्स। सिंस 1 ईयर यू हियर? यस। ओके, और ऑलवेज ही इट्स हेल्दी फूड। How many years you haven't taken any kind of medicine? 15 years now. 15 साल से कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ नहीं भाई। No alcohol, no cigarette, no smoke, nothing. No drugs, no soda, no Coca-Cola. No Coca-Cola. Oh yes. My God, amazing. My best friend is tea, black tea. Yes, black tea पीते हैं और हेल्दी खाते हैं भाई। In India, I like chai. I love chai. Chai, yes. मसाला चाय। Yeah, yeah. अभी मैंने चेकआउट कर लिया हॉस्टल से। बहुत ज़्यादा आराम तो किया नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। अब जो है ना मैं जाने वाला हूँ माउंट काजबेगी, जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है ट्बिलिसी में। मैं वहाँ जो है माउंट काजबेगी के पास में जो है जो काजबेगी जो छोटा सा टाउन है वहाँ रुकूँगा 2 दिन, और वहाँ मैंने हॉस्टल बुक किया है। और जहाँ से काजबेगी के लिए अब मेरे को बस मिलेगी उसका नाम है दीदुबे। सो दीदुबे से मैं जाऊँगा काजबेगी माउंटेन, क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं अगर टैक्सी करता हूँ तो टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, और बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजी वे है मेरे लिए। कोई टूर बुक नहीं करूँगा, सिंपल रखेंगे, आराम करेंगे वहाँ पे 2 दिन, फिर वापस आ जाएंगे। हॉस्टल से बाहर निकलते ही भाई देखो सामने पहाड़ भी दिख रहा है। पूरा जो ये ट्बिलिसी है ना, ये एकदम से मतलब पहाड़ में ही बसा हुआ है पूरा यार। और बिल्कुल मुझे लगता है एक सेंटर है ये, पॉइंट कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मैं लूँगा टिकट दीदुबे के लिए। देखते हैं यार क्या सिस्टम है, फिर उसके बाद टिकट बुक करके जाते हैं पहले दीदुबे। अभी मैंने ले लिया है मेट्रो कार्ड, ये मुझे पड़ा 2 लारी का, यानी कि 60 रुपये का ये पड़ा है, और 1 रुपये की मैंने टिकट ली है 30 रुपये की दीदुबे के लिए। और मैं इसको हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी जाना है मुझे, सब वे बस सब जगह, और रिचार्ज कराओ और करो। देख लो भाई, सेम मॉस्को की तरह ही बिल्कुल गहरा है, और पहाड़ में भी सेल्फ मेट्रो बना हुआ है यार, इतनी ऊँचाई में मेट्रो भाई इतना गहरा है जाके फिर। तो भाई मेट्रो से उतरने के बाद जो है थोड़ा सा नीचे चल के देख रहा हूँ, तो ये इस टाइप का मतलब अंडरग्राउंड स्ट्रीट सा है। स्टेशन है दीदुबे, और यहाँ से मुझे मिलेगी बस आगे के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटी गाड़ियाँ हैं, मसूद का बोलते हैं लोग, मसूद का। मैं पहुँच चुका हूँ दीदुबे स्टेशन पे, और यहाँ पे जो है मुझे बस स्टेशन मिल गया है, और यहाँ से जो है मुझे मिलेगी बस, जिसे ये लोग मशहूर का बोलते हैं कस्बे के लिए, काजबेगी माउंट के लिए। और वहाँ से थोड़ा सा मुझे 1-2 किलोमीटर शायद वॉक करना पड़े। भाई ये है यहाँ का बस स्टेशन दीदुबे,
जहाँ से आपको मशरूबका मिलती है, कस्बे की, बतूमी, जहाँ भी जाना है आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे भाई। और पता करते हैं, देखते हैं। अभी जो है यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, टैक्सी और इस टाइप का है, शेयर्ड छोटे वैन है इस टाइप के, और ये मुझे बोल रहा है 40 लारी कस्बेगी के लिए। और बाकी जो है बस का मुझे सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है, पता नहीं, चलो देखते हैं। फाइनली जो है 40 लारी में जो है ये वाली जो गाड़ी है वो बैठना पड़ रहा है, यानी कि 1200 रुपये हो गए लगभग 40 लारी बोले तो 1200 रुपये हो गए भाई। बस का शेड्यूल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने बात की तो पता चला कि यार बस जो है ना यहाँ से टिबलिसी से कस्बेगी के लिए 15 लारी या 20 लारी में पहुँचा देती है, लेकिन यार पता ही नहीं चल रहा कौन सी बस। यहाँ इतनी सारी प्राइवेट जो छोटी छोटी टैक्सीज हैं, कार हैं, वो इतनी सारी हैं कि यार पूछो मत, इतना कन्फ्यूजिंग है और कुछ। और बाकी जो ये वाली इस टाइप की छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं, मिनी वैन्स हैं, वो जाती हैं वो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब जो है 40 लारी ये ले रहा है, 40 लारी बोले तो ऑलमोस्ट हो जाता है 1200 रुपये भाई, 1200 रुपये सिर्फ ज़्यादा यार, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अब जाना तो है यार, बहुत देर हो गई है, 2 बजने को आया अब। मैं तो सो गया था गाड़ी में यार, तकरीबन 2 बजे निकले थे हम लोग वहाँ से, 4 बजने को आए, 2 घंटा हो गया है। बीच में तो रास्ता बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब सीन भी ऐसा था कि जैसे उत्तराखंड के आसपास कहीं घूम रहे हो लग रहा था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अब कुछ इस तरीके का देख लो यार, अमेजिंग से पहाड़ देखने लगे हैं, ब्यूटीफुल। और एक जगह रुके हैं अभी यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कुछ टॉयलेट वॉलेट यूज़ करने वालों के लिए, बाकी बहुत अच्छा हो रहा है यार। चलो बाकी थोड़ा सा पानी पी लें भाई, प्राकृतिक स्रोत। तो भाई कस्बेगी से 1 घंटा पहले एक स्टॉप में रुके हैं हम लोग। यहाँ पे जो है लोग रुकते हैं फ़ोटो के लिए, पैनोरामा व्यू के लिए, और यहाँ देख लो यार क्या अमेजिंग वाइब्स हैं, आ गया भाई मज़ा आ गया यार। और उसके अलावा जो है आप इधर देखोगे, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से 360 व्यू, जस्ट हैव अ लुक। और ये देखो आप, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, और वहाँ देख रहे हो आप बिल्कुल बर्फीली चोटियाँ, और इस तरीके का है भाई, अमेजिंग भाई। पीछे देखो यार आप, अमेजिंग, बहुत बढ़िया भाई। देख रहे हो आप उधर नीचे छोटा सा लेक भी बना हुआ है, अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही सुंदर पैनोरमिक व्यूज का दौर शुरू हो चुका है। एंड उसके बाद जो है हम लोग अब सीधा रुकेंगे, इसके बाद जो है हम सीधा रुकेंगे कस्बेगी में। और कस्बेगी यार छोटा सा एक टाउन है, और माउंटेन में बसा हुआ है, उसके ऊपर चोटियाँ, अभी तो ये वाला पहाड़ चढ़ के फिर नीचे उतरेंगे शायद, हमें 1 घंटे की जर्नी और है, बट आई होप कि इट्स गोना बी अमेजिंग। बाकी जो है बस मैं ये बोलना चाहूँगा यार, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई मैं पहुंच चुका हूं कस्बेगी माउंटेन के बस स्टैंड में, कस्बेगी में। और सबसे खुशी की बात ये है ना भाई कि मुझे इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया यार, ओ मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब मान के चलो कि आप लगभग कल से मैंने खाना ढंग से नहीं खाया है, और मुझे यहां पे जो है ये मिला इंडियन रेस्टोरेंट, भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा भाई, इतनी खुशी इंडियन रेस्टोरेंट मिलने की ना क्या बताऊँ मैं यार, पहले सबसे पहले खाना खाया जाएगा,
और यहाँ से ना मेरा हॉस्टल पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, मुझे वॉक करना पड़ेगा शायद चारों तरफ। देखो यार क्या लग रहा है यार, वाह इस जगह में आके इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया भाई मुझे। अब पता नहीं है इंडियन है कि नहीं है, इसमें लिखा तो है लकी ढाबा, अब देखते हैं अंदर क्या है भाई। तो भाई खा लिया यार, चिकन बिरयानी खाई, टेस्ट क्या बताऊँ मैं, अब छोड़ो। बाकी है कि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, 900 रुपये की चिकन बिरयानी एक प्लेट में ऐसे ही दे दिया, इतना सा दही थोड़ा सा बस, बहुत बेकार, मज़ा नहीं आया यार, वेस्ट। मॉस्को में बहुत अच्छा मिलता है यार, बहुत सस्ता भी मिलता है, बस जितने का मैंने चिकन बिरयानी खाया और पैसा वेस्ट किया उतने से कम में जो है मैंने इतना सारा सामान ले लिया है, अंडा ब्रेड बटर और ना जाने क्या क्या चीज़ें ले ली भाई, क्योंकि तो मेरा जो है दो दिन आराम से चल जाएगा यार। कोई नहीं, अब कुछ इस तरीके का है भाई यहाँ पे रास्ता, मैं जा रहा हूँ वॉक कर रहा हूँ, देखो कब पहुँचता हूँ, 1 किलोमीटर का वॉक है भाई। भाई रात होने वाली है यार, उससे पहले मैं पहुँच जाता हूँ हॉस्टल में, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है यार, देखो पता नहीं कहाँ चल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट ऐसा व्यू है, और ये चारों तरफ व्यू है, चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है ये जगह यार। और अभी चढ़ रहा हूँ मैं चढ़ाई में, इतना वॉक करने के बाद भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं इस हॉस्टल। हॉस्टल एच सुजस्वली, दादी अम्मा मिली हैं नीचे, किचन में सामान रखवा दिया, और ऊपर जो है बुकिंग का जो भी है पूछ रही हैं, दिखाता हूँ ऐसा है कुछ, अमेजिंग सा हॉस्टल है, अच्छा लग रहा है देख के। लो भाई तो चेक इन हो चुका है, और छोटा सा हॉस्टल है, एक दादी अम्मा चलाती हैं, और इस हॉस्टल में मतलब अच्छा चीज़ें, मतलब यहीं ऊपर जो है एक चर्च है जिसमें मैं शायद कल या परसों नहीं करूँगा, कल ही करूँगा, थोड़ा सा हाइक करके जाऊँगा ऊपर देखूँगा। बाकी जो है ये है कस्बेगी आई मीन जो टाउन है, उसके बाद ये माउंटेन्स हैं बेसिकली, और काफ़ी अच्छा है यार, बहुत शांत है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, रेस्ट करूँगा यार, बहुत थक गया। सेफ स्टे हेल्दी एंड एंजॉय दी अमेजिंग प्लेस, अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, अच्छी जगह है। सो जय जय भारत।